अनीता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, कहाँ से बात कर रही हैं हाँ मैडम, रोपड़ से कर रहे हैं। जी, बताएं सवाल। मैडम ऐसे है ना, मेरे 10 साल हो गए, पित्त का ऑपरेशन हुआ था, तो वो ना मैं 10 साल से कैप्सूल भी खा रही हूँ, जी कैप्सूल खा रही हूँ। तो वो ना, अब मैंने देखा था चैनल पे, जी मैंने चैनल पे देखा था हकीम जी बताते हैं दवाई, तो फिर मैंने चूरन तो बना लिया था, और साथ में मैंने जैतून का ना वो नमक भी मंगवा लिया था आपके वहां से। हाँ ठीक है। जी, मैं मैडम वो खाती हूँ, तो और भी आप बताओ भी वो कैप्सूल खाने, हकीम जी से पूछ, ठीक है ठीक है मेरा पित्ते का ऑपरेशन हुआ ठीक था। है ठीक है। जी कैप्सूल है वो एसिडिटी का है, गैस का है, तो वो अगर ज़रूरत पड़े तो आप ले सकते हैं, वरना जो नुस्खा आपने बनाया है 6 चीज़ों का, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, इसमें अलसी भी डालना 100 ग्राम, और इस पाउडर को 100 100 ग्राम लेकर सबका पाउडर बनाएं और 1 चम्मच खाएं, और नमक जैतून 1 चुटकी या 2 चुटकी पानी में मिला के आप लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार। ये आपके पित्ते का काम करता है और पित्ते की कमी महसूस नहीं होने देता, और अगर वेट भी ज़्यादा है आपके अंदर तो इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला लिया करिए, तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता और हाजमा ठीक रखता है, पित्ते का काम करता है। जिसके पित्ता ना हो वो ये नुस्खा ज़रूर लिया करें ताकि आपको पित्ते की कमी महसूस ना हो। जी।